नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। छह देशों के हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में जर्मनी से हारा भारत। मैट्स ग्रामबुश ने दागे दो गोल, जर्मनी ने 4-0 से किया मैच अपने नाम। नोवाक जोकोविच ने की विंबलडन में लगातार तीसरे खिताब के अभियान की शानदार शुरुआत। ब्रिटेन के जेम्स वार्ड को सीधे सेटों में 6-0, 7-6, 6-4 से हराया। रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं जोकोविच। सुषमा स्वराज से मिली दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल। हॉकी कप्तान सरदार सिंह के खिलाफ FIR की मांग। सरदार पर भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला हॉकी खिलाड़ी के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप। बेनतीजा तीसरे वनडे में श्रीलंका के चंदीमल और मैथ्यूज ने बनाया शानदार रिकॉर्ड। 80 रनों की साझेदारी करते हुए दोनों के नाम किसी भी विकेट के लिए बिना शतकीय साझेदारी के सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड दर्ज। बारिश से बाधित हुआ मैच। ढाका प्रीमियर लीग में 3 खिलाड़ियों पर फिक्सिंग का आरोप। कप्तान नादिफ चौधरी, शुहाब आदिशुवो और डॉलर महमूद मैदान पर संदिग्ध गतिविधि में पाए गए शामिल। तीनों खिलाड़ियों की जांच के लिए लिखित रूप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दी गई जानकारी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मैसी से अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री की गुहार। मैसी से की संन्यास का फैसला, वापस लेने की अपील। दुनिया भर में मैसी के फैंस में निराशा। ICC वनडे रैंकिंग में तीसरे पायदान पर भारत की बादशाहत बरकरार। बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर विराट कोहली। रैंकिंग के पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम। और यूरो कप 2016 में आइसलैंड ने फेरा इंग्लैंड के अरमानों पर पानी। 2-1 से इंग्लैंड को दी शिकस्त। क्वार्टर फाइनल का कटाया टिकट। 30 जून से शुरू होंगे क्वार्टर फाइनल के मैच। ये तो हुई खेल जगत की खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।